हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसेन नगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सफल कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या क्या वर्क करना होता है और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कम से कम और कौन कौन से सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर मैनुअल रिकॉर्ड को किस तरीके से डाटा एंट्री करके उसे कंप्यूटराइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकल रूप से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली टेलीविजी और अकाउंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए आपको किसी विशेष आईटी कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी भी टाइप की कोई लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जावा सीखने की ज़रूरत नहीं है या कोई स्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई टेस्टिंग का वर्क सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल जो शुरुआत में जो ज़रूरत रहेगी वो रहेगी, आपको जो सबसे ज़्यादा मस्ट है वो है टाइपिंग। टाइपिंग में भी आपको इंग्लिश और हिंदी यानी कि दोनों का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आपको अदर लैंग्वेज भी आती है, पंजाबी, उर्दू वगैरह, तो आपके लिए एक बहुत ही एडवांटेज की बात रहेगी ये। और उसके बाद में एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक्सेल भी यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का भी हमें यूज़ करना होता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर को। जैसे कि जो भी टाइपिंग का जो वर्क होता है वो सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, और इसी तरीके से जो डाटा एंट्री का जो वर्क होता है वो सारा एक्सेल में होता है, और किसी भी टाइप की कोई प्रेजेंटेशन अगर हमें देनी हो तो पावर पॉइंट की स्लाइड्स का हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद यूज होते हैं बेसिक इंटरनेट नॉलेज, यानी कि हमें ईमेल हम किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, ईमेल को हम किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं या किसी चीज़ को हम अपलोड कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक बेसिक इंटरनेट नॉलेज भी हमें होना ज़रूरी है। और सबसे जो मस्ट है वो है टाइपिंग। टाइपिंग में आपकी स्पीड भी अच्छी होनी ज़रूरी है। कोई ये भी नहीं है स्टार्टिंग में आपको 50 या 60 की, अगर आपकी 25 या 30 या 35 तक की स्पीड है तो भी आपका एक बार काम चल सकता है। वैसे तो आजकल जो डिपार्टमेंट में या किसी ऑफिस में जो कंप्यूटर वर्क होता है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर होने लग गए हैं, यानी कि आजकल हर डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री करने के लिए उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर तैयार हो गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी यूज होता है, एक्सेल का भी यूज होता है, पावर पॉइंट का भी यूज होता है। क्योंकि कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है जहाँ पे पहले मैनुअल रूप से रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, बाद में उस रिकॉर्ड को हेड ऑफिस में भेज दिया जाता है और उस रिकॉर्ड को हेड ऑफिस से सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होता है और उसके बाद में इंटरनेट के सर्वर पर उसे पब्लिक कर दिया जाता है ताकि उसे हरे कोई व्यू कर सके। ये डिपेंड करता है भी आपको जो जॉब मिलेगी वो कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगी या कौन से ऑफिस में आपको वर्क करने को मिलेगा। क्योंकि कई ऑफिस में केवल डाटा एंट्री का वर्क होता है तो आपको एमएस एक्सेल का नॉलेज होना ज़रूरी है, और कई बार ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे केवल टाइपिंग का वर्क होता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अच्छी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे डाटा एंट्री का भी वर्क होता है और टाइपिंग का भी वर्क एक साथ होता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का दोनों का नॉलेज है जो अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मैनुअल रिकॉर्ड जो होता है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के वर्क में होता है। अब जैसे कि कोई एम्प्लॉई है वो जनगणना के लिए डोर टू डोर वो संपर्क करता है तो आपने देखा होगा उसके पास भी मैनुअल रजिस्टर होता है या कई बार जो फॉर्म होते हैं जिसे वो प्रत्येक घर घर जाके उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, उसमें जो सारी जो डाटा एंट्री है वो अपने पेन से फिलअप करता है और उसके बाद फिलअप करने के बाद में शाम को आने के बाद अपने ऑफिस में वो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को वो डाटा सारा जो रिकॉर्ड है वो दे देता है भी आपको इस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइड करना पड़ेगा। यानी कि जो वर्क उसने आपको ला के दिया है उसको आपको एक्सेल डाटा शीट में आपको तैयार करना होता है, और डाटा शीट को तैयार करने के बाद आपको उससे ऑफिस से रिलेटेड हेड ऑफिस में या जहाँ पर भी आपको देना होता है वहाँ पर उसके ईमेल के थ्रू आपको भेजना होता है। हम इसी वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो हमारे सामने एक ये ग्राम पंचायत श्री गंगानगर वार्ड संख्या 5 एक आवास योजना का एक कोई फॉर्म है जिसे सर्वे दिनांक 10/9/2020 को सर्वे किया गया होम टू होम,
और उसके बाद सर्वेयर का जो नाम है वो है विकास कुमार, यानी कि विकास कुमार एक कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई हुई है आवास योजना की, उसका वो सर्वे कर रहे हैं और उसने पूरे वार्ड नंबर 5 की संख्या में सर्वे किया, तो उसे 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए एक ये एंट्री मैंने यहाँ पर करी है। और इसको अगर ये विकास कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर ये डाटा रिकॉर्ड ला के देगा तो विकास कुमार की क्या जिम्मेवारी बनेगी, वो इस रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करेगा डाटा एंट्री के रूप में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आवेदक का नाम है, आवेदक के पिता का नाम है, परिवार के सदस्यों की संख्या है, उसके बाद उसकी एनुअल इनकम कितनी है, उसका आधार कार्ड नंबर क्या है, उसकी पहचान पत्र संख्या कितनी है, मोबाइल नंबर क्या है और जिसके लिए आवेदन किया गया यानी कि किस योजना के तहत वो आवेदन किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो रिकॉर्ड है सर्वेयर ने होम टू होम यानी कि डोर टू डोर के सर्वे किया और उसके बाद में ये सारा रिकॉर्ड उसने अपने मैनुअल फॉर्म में सबमिट किया है और उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर इसको कंप्यूटर ऐड करेगा। तो फ्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर की जो लाइब्रेरी बन जाती है वो ये बन जाती है भी इस फॉर्म को वो एमएस एक्सेल में किस तरीके से इसको डिजाइन करेगा, किस तरीके से इसकी एंट्री करेगा। तो सबसे पहले तो उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरीके का फॉर्मेट उसे बनाना आना चाहिए। अगर वो इस तरीके का फॉर्मेट बना सकता है तो वो डाटा एंट्री भी आराम से कर सकता है। किस तरीके से हम उसकी टाइटल पे नाम लिखेंगे, किस तरीके से हम इसके जो कॉलम और रो होती है इसका हम विड्थ है इसकी कम या ज़्यादा हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि जो भी डाटा हम फिलअप इसके अंदर कर रहे हैं वो प्रिंट के अंदर भी आसानी से दिख जाए, भी किसी भी टाइप की किसी में कोई शब्द में कोई कटिंग ना हो। तो ये सब कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर को आना चाहिए। पर अब हम बात करते हैं भी इस रिकॉर्ड को किस तरीके से एक्सेल में मेंटेन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो नाम आ गया सुनील कुमार का, तो क्रम संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और उसके बाद में यहाँ पे जो आवेदक का जो नाम है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सुनील कुमार, यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ लिखेगा वो टाइप करके। यहाँ पर केवल जो फॉर्म में लिखा है वो एज इट इज ही उसे डाटा शीट में तैयार करना है यानी कि एक्सेल शीट में उसे फिलअप करना है। अब जो फादर्स नेम है, अब फादर्स नेम में जो नाम रहेगा वो सुरेंद्र कुमार का रहेगा, इस तरीके से वो डाटा फिलअप करेगा। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या जो है 4 है और उसकी जो वार्षिक आय है वो 2,30,000 रुपये है और इसी तरह आधार संख्या कार्ड है जो इसका 13412101516 है और पहचान पत्र संख्या जो है इसकी BLM/01/002 है और इस तरीके से इसका मोबाइल नंबर भी रहेगा और किसके लिए आवेदन किया गया हाउस के लिए। तो इस तरीके से वो डाटा एंट्री जो कंप्यूटर ऑपरेटर होएगा वो इस तरीके से इस डाटा को फिलअप को करेगा। ये जो हमें डाटा जो हम इसमें सबमिट जो कर रहे हैं इसे हम डाटा एंट्री बोलते हैं। जो मैनुअल जो रिकॉर्ड हमारे पास था इस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइड करना है, ये जो है पेन से भरा हुआ यानी कि मैनुअल रिकॉर्ड है, इसी को ही कंप्यूटर जब हम एक्सेल डाटा सीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये सारा हमारा डाटा एंट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक कंप्यूटर ऑपरेटर की एक जिम्मेवारी बन जाती है भी जो मैनुअल रिकॉर्ड उसे दिया गया है उसे सही तरीके से एक्सेल सीट में डाटा एंट्री उसके करे। अब जैसे आपके सामने मैं एक दिखा रहा हूँ आपको आधार कार्ड, अब आधार कार्ड की संख्या को आप देख रहे हो ये जो संख्या है ये इस टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है जबकि हमने आधार जो संख्या वो डाली जिसमें जो अपने फिलअप जो डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड हमने इसके अंदर फिलअप किया था वो था इसका 13412101516। हालांकि ये मैंने एक डमी के रूप में एक एंट्री मैंने यहाँ पे पोस्ट की हुई है और अगर इसका ओरिजिनल फॉर्मेट अगर हम देखें तो ओरिजिनल फॉर्मेट में देख लो ये आधार कार्ड स्पष्ट रूप से इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जब इसकी एक्सेल में एंट्री करी तो जो एक्सेल में जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो चेंज हो चुका है। तो इस टाइप की अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो जाती है किसी कारणवश या सॉफ्टवेयर की वजह से तो उसे सही करना आना चाहिए, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की एक जिम्मेवारी बनती है। तो फ्रेंड्स ये जो चार्ट है ये किस तरीके से बनता है, अगर ये आधार कार्ड की संख्या आपके पास भी अगर ऐसी समस्या आती है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, ये सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल रूप से बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आज का जो हमारा मकसद था वो यही था कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान में होना जरूरी है जब वो ऑपरेटिंग का वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स इतना सब कुछ करने के बाद हम इस डेटा शीट को हम सेव किस तरीके से करेंगे,
किस लोकेशन पर हमें इसको डाटा को सेव करना चाहिए ये भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और इस फाइल का नाम हम क्या देने वाले हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद हम इसे सेव एज करेंगे, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव थी, हम इसको किसी दूसरे नाम से हम सेव कर रहे हैं। वैसे किस नाम से ये डाटा प्रेजेंट है, हमें चल रहा है, कौन सी फाइल ओपन है, तो इसका जो मेन जो नाम होता है वो हमें इस टाइटल बार से ही शो हो जाता है, यानी कि ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से ये फाइल है जो ओपन हुई हुई है। अगर इस फाइल का नाम चेंज करना चाहें और किसी दूसरी लोकेशन पर अगर हम सेव इसे अगर करना चाहें तो हम जाएंगे फाइल पे और यूज़ करेंगे सेव एज का, और हम सेव एज का यूज़ करेंगे तो हम कंप्यूटर में पूछेगा भी आपको ये जो फाइल आपने तैयार करी है इसे आप कौन सी लोकेशन पर सेव रखना चाहते हो, या आप डेस्कटॉप पर रखना चाहते हो, या डाउनलोड के फॉर्मेट में रखना चाहते हो, या डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हो, जहाँ पे भी आप रखना चाहो, ताकि आपको जब आप किसी को भेजो या ईमेल आप करो तो आपको ये फाइल आसानी से मिल जाए। जैसा कि मैं इसे डॉक्यूमेंट में मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और इस फाइल का जो नाम है वो दे देता हूँ मैं, मेरा भी वर्ड संख्या 5, और ये आवास योजना से रिलेटेड थी, तो इस फाइल को मैं दे दूंगा भी वार्ड नंबर 5 आवास योजना, ताकि जब भी इस फाइल को अगर मैं भूल भी जाऊं तो इस नाम से अगर मैं सर्च करूंगा तो मुझे आसानी से ये मिल जाए। तो अब जो जिस लोकेशन पे जो डाटा हमारा सेव हो रहा है इस लोकेशन का हमें यहाँ से पता चलेगा, यानी कि ये हमारे सिस्टम के अंदर एक लाइब्रेरीज और लाइब्रेरीज में एक डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बना हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में ये डाटा हमारा सेव होएगा, और इस तरीके से हम इसे सेव करेंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे जो टाइटल बार पे जो नाम था वो भी चेंज हो जाएगा, जिस नाम से हमने इस फाइल को सेव किया है वो नाम हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वार्ड नंबर 5 आवास योजना। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, हम इसे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्क जो होगा वो केवल सारा टाइपिंग का वर्क होगा। अब मान लीजिए आपको किसी ने एप्लीकेशन टाइप करने के लिए बोल दिया, तो आपको जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो उसको सेट करना आपको आना चाहिए, वो हम उसको किस तरीके से हम सेट करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं ले रहा हूँ, जैसे इस टाइप का मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया है, और इसी को हम अगर एप्लीकेशन के रूप में अगर इसे हम चेंज करना चाहें तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, हम जो भी रिकॉर्ड हमारा लिखा होता है उसे हम ऊपर या नीचे हम किस तरीके से जा सकते हैं, उसके बाद जो इसकी हेडिंग जो हमें डालनी होती है वो हम किस तरीके से डालेंगे टू, अब इस तरीके से हम किस तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे पी टू दी बैंक मैनेजर, अब इस किस तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग है जो कर रहे हैं, ये सब कुछ एक कंप्यूटर ऑपरेटर को आना चाहिए। जैसे मैं कहिए इसके जो ब्रांच है वो श्री गंगानगर है, और इसका जो सब्जेक्ट जो रहने वाला है, सब्जेक्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे, और सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, यानी कि किसी अगर स्टेटमेंट से संबंधित अगर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, या किसी कोई टेक्निकल इश्यू है, या पैसे जो ऑटो है जो डेबिट हो रहे हैं, या रिफंड लेने के लिए जो किसी कोई भी टाइप का आपका सब्जेक्ट हो सकता है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो फॉर्मेटिंग होती है वो भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर को आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर कर देना, वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना, अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी या कोई सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज का जो सब्जेक्ट था वो यही था भी कंप्यूटर ऑपरेटर को मिनिमम कितना कुछ आना चाहिए ताकि वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब को आसानी से हैंडल कर सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।